तालिमी मरकज, शिक्षा सेवक, शिक्षा सेवक टोला सेवक, ये सब किया। और फिर बहुत सारे लोगों के लिए महादलित परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का एक बात हम आपको बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में कार्यरत संविदा कर्मी और नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह के शुभ अवसर पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों की बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। पहले से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे। वहीं संविदा कर्मी, टोला सेवक तालीम मरकज के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि टोला सेवक तालीम मरकज को हम बहुत आगे ले जाएंगे, उनका वेतन बढ़ाएंगे और उनको अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह कि जो भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी संविदा कर्मी एवं अन्य खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुन लेते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जो दिखाई पड़ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग अलग जगहों का, आप जितना यहाँ हैं आपसे भी ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं और बाहर का सब मिला करके देखिए तो आप लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह आयोजित करने का, इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और बहुत अच्छा काम आप लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो योगदान है, अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा योगदान है, कितने लोगों ने इनका सहयोग किया और किस तरह से वहां पढ़े और पढ़ करके आ गए और देखिए कितने योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने देश के संविधान की रचना की, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए एक एक चीज को याद रखना चाहिए कि मामूली परिवार आज जो कह रहे हैं तो उस तरह से अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो उसी में थे और कितना बड़ा काम था सोच लीजिए। आजकल लोग समझता देश आजाद हुआ, आज जो संविधान बनाए वो कौन बनाए, जो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने बनाया, लेकिन उनके साथ अभी तक जो अधिकार मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता। और हम लोग तो बिहार में सारा सब कुछ कोशिश कर ही न रहे जी, कोई दूसरा जगह इतना किया है जगह मिला है तो हम लोगों ने तमाम लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े, मुस्लिम समुदाय और सारे महिलाओं के हित में चाहे कोई हो और सबके लिए काम करके किया और बाकी लोगों के लिए भी काम किया। तो हम लोगों ने तो इतना ज्यादा करने की कोशिश की है तो हम लोग तो आप जानते हैं ना। अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा, बतवा समझो ना। चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है, शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके साथ बाकी एक साथ है मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सही कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे उनकी भी आमदनी।
नहीं, पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी। इसलिए जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं, और कौन कौन काम नहीं किया है। और एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही ना है 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे, तो हमने जब उसमें कराया था कौन थे, उसमें सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के। उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया, अब उसी के चलते ना सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5% मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई, अब सब पढ़ने लगी। अब उस सब के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तालिबी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, ये सब किया, और फिर बहुत सारे लोगों के लिए महादलित परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का, एक बात हम आपको और बता दें कि जो विकास मित्रों का हम लोगों ने काम किया और तालिमी मरकज का और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। ये सब हम करने जा रहे हैं, बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा कि कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तो भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहाँ रहेगा, यहाँ से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही नकारी ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे, तो बेचारे तो कहीं भी तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं,